Tell us how an induction motor starts. भाइयों आपने ये शायरी तो सुन रखी होगी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इन एक्स्ट्रक्टरों को कौन बताए? भाई तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बावली कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत ही ज्यादा वायरल ट्रेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनने पूरे इंस्टाग्राम पे अपना कोहराम मचा रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये ट्रेंड कहां से पैदा हुआ और कहां तक चलता ही जा रहा है। इसके ऊपर पोस्ट से लोग वायरल भी हुए हैं, जैसे आपने वो आंटी वाली वीडियो देखी ना, तो हम आपको उसकी रियल वीडियो भी दिखाएंगे। तो आओ यार अपने चुपते हुए एयरफोन्स अपने कानों में लगा लो। क्या बात, लगा भी लिए? अच्छा तुम्हारे महंगे वाले एयरफोन्स है, चलो कोई बात नहीं यार, सस्ते हो चाहे महंगे, बस अपने कानों में लगा लो। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वीडियो जो इस ट्रेंड की रियल वीडियो, अब ये वीडियो वायरल होगी तो तुम्हें तो पता ही है इंस्टाग्राम पे सब चलते हैं भेड़ चाल, तो सबों ने भाई इसी के ऊपर वीडियो बनाई। और एक्स टिकटॉकरों का तो तुम्हें पता ही है कि उनके तो खून खून में है कॉपी करना, तो जो पहले कॉपी मैन आ रहे हैं उनका नाम है अदनान शेख 07, फेसबुक के टुकड़ों पे पलने वाले भाई। पीछे वाले बंदे को देख रहे हो, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि 10 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। भाई हमें भी बता दे, हम भी खुश हो जाएंगे। अदनान भाई तुम क्या अभी घोड़े धो के आ रहे हो? कम से कम टोपी तो उतार दो यार, तुम्हारी टोपी और ये तुम्हारी चैन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लुक की ना किसी ने ऐसी तैसी करके मार रखी है। जब तुमने गले के अंदर इतना चौड़ा डाल ही लिया है तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोग। अरे लॉकेट की बात कर रहा हूँ, जब इतना चौड़ा लॉकेट तुमने अपने गले में डाल ही लिया तो उसकी जगह भाई सब ताले ही डाल लेते ना, सस्ते में काम हो जाता। मस्त प्लान है। आजा साढ़े अपना मुना कैमरे के अंदर घुसा के कैमरे के सिस्टम पाड़ दे। ये पीछे वाला बंदा भी परेशान होके इन्हें बहुत ज्यादा गाली दे रहा होगा, इसीलिए तो भाई साहब ये अपनी धुन में मगन हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, देखो सोफिया अंसारी तुमने जो ये गिरने की एक्टिंग करी है ना, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। अगर तुम्हें गिरना ही था ना तो एक केले का छिलका गिरा दो और फिर चलो, फिर तुम गिरोगी। सोफिया ने एक अलग ही प्रजाति के लोग है, अगर हम रोड पे गिरेंगे तो हम पहले अपने घोटू पकड़ेंगे कि यार लग गई यार चोट लग गई, पर अगर सोफिया गिरेगी ना तो वो भाई साहब ऐसे स्टेप करती है। सोफिया जी मुझे एक बात बता दो, जो तुमने गिरने की एक्टिंग करी है, मतलब तुमने बेसिकली यही दिखाया कि तुम गिरने के बाद ऐसे स्टेप कर रही है, तो मुझे ये बता दो कौन सा बंदा या बंदी गिरने के बाद ये स्टेप करता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे घुटनों के बाद जब बंदा या बंदी गिरते हैं ना तो मनी मन में बहुत ज्यादा रोते हैं और बहुत से तो सामने भी रो लेते हैं। देख रहे हो यार तुम इन नेक्स्ट टिकटॉकरों की सोच तो भाई साहब चांदी छुरी है, वहां वो सोफिया अंसारी गिरने के बाद ऐसे स्टेप करती है जहां लड़कियां रोती है, और यहाँ ये बैक में पेन होने के बाद लड़कियां स्ट्रेचिंग करती है तो यहाँ ये ऐसे स्टेप कर रही है। वाह जी वाह वाह वाह। तो चलो यार स्टैंड को थोड़ा साइड में कर देता हूं, वरना खामा खामा कुछ उल्टा बोल दूंगा, फिर तुम लोग कहोगे यार शिवा भाई तुम तो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे भाई हम कितनी तो रिस्पेक्ट करते हैं, मैं लड़कियों को गाली भी नहीं देता। अब जो वीडियो आ रही है वो वीडियो होने वाली है इंडियन सीरियल्स के ऊपर। आपको तो पता ही होगा इंडियन सीरियल्स के अंदर कितनी ज्यादा पागलपंती होती है, तो देखो इस एक्ट्रेस की तुम एक्टिंग देख रहे हो, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि काल कोठरी के अंदर ना इसने ऊपर कोई भूत देख लिया, उसे देखने के बाद इसके मन में एक ही चीज चल रही है, ओ तेरी की कितना डरावना भूत है, मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ, उसे लगेगा कि मैं तो सो रही हूँ। इसकी साइड एक्ट्रेस सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई आत आराम से निकल जाएगा, ये एक्ट्रेस खुद निकाल सकती है, बट नहीं इसे तो रोने की एक्टिंग करनी है। वाह भाई इंडियन सीरियल्स। जिस तरह की एक्सप्रेशन बना रही है ना, वैसे एक्सप्रेशन तो भाई टॉपर बच्चों के आते हैं, जब उनकी 98% आ जाए कहते हैं यार 2% जब भी नहीं आई, और ले बैक बेंचर्स तो 33% पे ही, अबे साढ़े पास हो गए, ले तू रसगुल्ले खा। बात तो सही है भाई साहब, इंडियन टीवी सीरियल्स की तो बात ही अलग है, इनके ऊपर तो जितनी वीडियो बना दो ना उतनी वीडियो कमी पड़ जाएगी, इनके ऊपर तो बतेरी वीडियोस बन सकती है। अब तुम दूसरी रील देखो।
आप एक बार अपने माइंड में सोचो कि इस वीडियो के अंदर कितने व्यूज होंगे, जिसके अंदर इसने कुछ नहीं करा, बस ऐसे उल्टे होके चल रही है, कितने व्यूज होंगे? 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन? नहीं भाई, पूरे के पूरे 28 मिलियन व्यूज है यार। यार ऐसे व्यूज देखने के बाद तो ना मुझे एक ही फीलिंग आती है कि यार क्या ही है हमारी दुनिया, क्या ही है, हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और यहाँ भाई साहब 1000 व्यूज नहीं जा पाते, और यहाँ ये सिर्फ उल्टा होके चल के लिए भाई साहब 28 मिलियन व्यूज। तो तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि 28 मिलियन व्यूज क्यों जा रखे हैं? ये तो सिर्फ उल्टा चलिए, ना कोई कॉन्टेंट है ना कुछ भी, जब भी 28.4 मिलियन व्यूज, कुछ तो बात है इसके उल्टे चलने में है। मुझे क्या देख रहे हो यार, अगली ने DSLR से वीडियोस बनाई है, इतना महंगा लहंगा पहन रखा है, इतना बढ़िया बैकग्राउंड है, इस वजह से चलेगा 28.4 मिलियन व्यूज। अब मुझे नहीं पता अब लोग उसमें बैकग्राउंड देख रहे हैं कुछ और देख रहे हैं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उर्फी जावेद, जिसे लगता है कि वो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कलाकार, सबसे बड़ी रानी है, बट इसे कौन ही बताए कि तेरी फैशन डिजाइनिंग को कोई नहीं पूछता। इसकी सारी डिजाइनिंग को तुम एक तरफ कर दो, बट जो अभी तुम्हें जो डिजाइन दिखाऊंगा ना, उसे देखने के बाद तो तुम एक ही चीज कहोगे, तू पागल है क्या? अबे तू पार तेरी माँ। कंट्रोल। जो भाई मिठाइयों के ऊपर चांदी की बरक लग के आती है ना, उससे तो भाई साहब इनने अपनी ड्रेस ही बना ली। ड्रेस क्या बना ली, कुछ भी नहीं पहन रखा, बस अपनी छाती पे चांदी के बरक लगा लिए हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? देखो यार, ये चीज मैं सिर्फ उर्फी को नहीं कहना चाहता, और जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के जो ये सोचते ना कि यार मैं ना ऊटपटांग हरकते कर देता हूं जिससे ना मैं वायरल हो जाऊंगा, भाई साहब लाइक और व्यूज फॉलोवर ही फॉलोवर आएंगे। यार फॉलोवर और लाइक इतने जरूरी नहीं है जितनी तुम्हारी इज्जत जरूरी है। कहीं पता चले तुम वायरल होने के चक्कर में अपनी इज्जत का ही फालूदा बनवा लो, तो भाई ढंग का कंटेंट बनाया करो, ढंग की रील बनाया करो। बाकी तो भाई देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रोस्टर है तुम्हारे ऊपर, और बतेरी वीडियोस बनाएंगे, हमें तो कंटेंट ही मिलता है। बाकी मारी ओढ़ते तू वो खा। भाई ये क्या बोला है? अरे हट यार, अब नहीं बोला जाएगा। अबे मतलब क्या कर रहा है भाई तू? लड़का से लड़की बन गया, लड़की से लड़का बन गया, भाई साहब इंस्टाग्राम पे तो मैं क्या ही बोलूं, इंस्टाग्राम तूने तो नाम डुबा दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चलो यार इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो यार, आपका ही चैनल है, आपके भाई का ही चैनल है, तो यार सपोर्ट प्यार दिखाओ यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वो जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, चाहे उसे आप चाटो या फिर अपना सर फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलो यार, अब मैं भी जा रहा हूं क्योंकि मुझे भी मोहित को मेकअप दिला के लाना है। बाय मोहित। वैसे मेकअप किसके लिए ला रहा है? मम्मी को गिफ्ट में देगा क्या, या खुद के लिए ला रहा है? तू मेकअप क्या क्या करेगा? रील्स बनाएगा? साले रैप्टा मार दिया ना, रील्स बनवा दूंगा, बनवाऊं तुझे भी लड़की। मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के बीच हटके मेरी जिंदगी।